हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं द्राक्षासो सिरप के बारे में, जो कि डाबर कंपनी का हमारे पास द्राक्षासो है। चलिए इसका कुछ रिव्यू दे दें। तो कुछ इस टाइप की यह पैकिंग में उपलब्ध होती है, जो कि पूरी तरह से कांच की बोतल है। कांच की बोतल में यह आती है और इसकी यदि 1.5 ml की बात करें तो 450 ml की पैकिंग में आती है। MRP की बात करें तो 186 रुपये इसकी MRP है। आप नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। यदि आपको डाबर का ब्रांड न मिले तो आप झंडू का या बैद्यनाथ का या पतंजलि का या अन्य कितनी कंपनियां मार्केट में उपलब्ध हैं, तो जिस कंपनी को आपको मिल जाए आपके एरिया में आप उसी कंपनी का सेवन करें। लेकिन यदि सबसे बढ़िया कंपनी की और सबसे भरोसेमंद कंपनी की बात करें तो डाबर ही आती है। यह जो है भूख को बढ़ाने के लिए और ताकत के लिए और खाना को बचाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको भूख नहीं लग रही है और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा थकान सुस्ती आप महसूस कर रहे हैं, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप के लिए जो है आपको यदि काफ़ी दिनों से बुखार है और बुखार की वजह से आपको भूख नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। इस सिरप से बुखार भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपकी भूख भी बढ़ जाएगी, और साथ में लीवर का जो भी सूजन होगा या दवाओं की गर्मी की वजह से जो भी लीवर पे साइड इफेक्ट होंगे, जो भी लीवर पे आपका दुष्प्रभाव होगा उसका, तो उन सारे दुष्प्रभाव को और साइड इफेक्ट को हटा करके आपके लीवर को मजबूत करेगा और आपके भूख को बढ़ाएगा, खाना को पचाएगा और डाइजेशन सही करेगा और खून को बढ़ाने में मदद करेगा। एनीमिया की शिकायत भी यदि आपको होने वाली है या हो रही है या एनीमिया की शिकायत है तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसके यूजेज की बात करते हैं कि इस सिरप का इस्तेमाल हम किन रोगों में करते हैं। यदि आपको डाइजेशन की समस्या है, पेट खराब है आपको, या आपको एनीमिया की शिकायत है, भूख नहीं लग रही है, आपको बदहजमी है, पीलिया है, या आपको बुखार है, डायबिटीज है, कार्डियक डिजीज है, कोई आपको दिल से संबंधित बीमारी है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक विकार है, यदि आपको दिमाग से कोई दिक्कत है, या दिमाग से कुछ अपंग टाइप महसूस हो, या दिमाग में आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है, कोई वेंस दब रहे हो दिमाग के नस की, तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। कमजोरी पाचन तंत्र आपके यदि कमजोर है पाचन तंत्र, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में यदि आपका आँत में किसी तरह से इन्फेक्शन है, संक्रमण है आँत में, तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। द्राक्षासो सिरप का हम इस्तेमाल पीलिया में भी करते हैं, और यदि आपको लंबे समय से बुखार आ रही है या किसी बीमारी से पीड़ित हैं और आपको आप आराम मिल चुके हैं लेकिन लंबी दवा खाने से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप द्राक्षासो सिरप का इस्तेमाल करें। और एक चीज़ आपको और जानकारी दे दें कि आप द्राक्षासो सिरप का इस्तेमाल अन्य किसी सिरप के साथ में ऐड करके भी कर सकते हैं। जैसे यदि आपको खून की कमी है तो लोहासो सिरप आती है, और लोहासो के साथ में आप द्राक्षासो का इस्तेमाल करें, आपकी जो इसका रिस्पांस है वो दुगना हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया रिस्पांस बन जाएगी। और यदि आपको लीवर की समस्या है, कोई जटिल लीवर की समस्या है, तो आप कुमारी आसो के साथ में द्राक्षासो सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो लीवर की समस्या और साथ में कमजोरी हरासमेंट जो भी होगी वो जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि आप बवासीर के पेशेंट हैं तो अव्यारिट सीरप आती है, उसका इस्तेमाल करें इसके साथ में मिला करके, तो आपको बवासीर व और लीवर की जो भी दिक्कत है, अनपची लैट्रिन आपको जो भी हो रही है, तो उन सारे रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। यह जो है द्राक्षासो सिरप किसी भी सिरप के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही कुछ जानकारियाँ सिरप के बारे में, जिसे हम द्राक्षासो सिरप कहते हैं। और चलिए अब डोज की बात कर लें कि आप कितने डोज में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जनरल 15 से 20 ml सुबह और 15 से 20 ml शाम को इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। बराबर मात्रा में पानी मिला करके इस सिरप का इस्तेमाल करें। और यदि आपका उम्र 8 से 18 साल के आसपास का है, तो आप 10 ml ही सेवन करें। और 4 से 6 साल तक के बच्चे हैं तो वो 5 ml सुबह और 5 ml शाम को इस्तेमाल करें, बराबर मात्रा में पानी मिला करके इस्तेमाल करें। और भी यदि आपको छोटे बच्चों को देना है तो नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें, उसके बाद ही इस सिरप का सेवन करें। चलिए कुछ साइड इफेक्ट की बात कर लें। तो साइड इफेक्ट में यदि आपको विशेष इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यह सिरप जो है पूरी तरह से आयुर्वेदिक सिरप है, आयुर्वेदिक फॉर्म में उपलब्ध है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप इसका ओवर डोज लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट समझ में आ सकते हैं, जैसे कि आपको पेट में जलन सी महसूस हो रही हो होने लगे, या आपकी बदहजमी सी महसूस होने लगे, तो हल्के फुल्की उल्टियाँ आपको आ सकते हैं। यदि आप ओवर डोज लेंगे तो
तो ओवर डोज लेने से बचे और नॉर्मल डोज आप 15 से 20 ml सुबह और 15 से 20 ml शाम को ही इस्तेमाल करें इस सिरप को। चलिए अब बात करते हैं प्रेगनेंट औरत इसको इस्तेमाल करें कि ना करें। तो प्रेगनेंसी में औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, विशेष कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि कोई डाउट आपको हो तो आप नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें और ब्रेस्ट फीडिंग मदर से बेहिचक इसको इस्तेमाल करें। उनके लिए बहुत ही बढ़िया सीरप, उनकी जो मिल्क सेक्रेशन है बढ़ा देगा, अर्थात उनकी दूध को जल्दी उतार देगा, बच्चे के लिए आसान हो जाएगा पीना। और उनको यदि सीने में कुछ औरतों को लगता है कि बच्चे जब दूध खींचते हैं तो उनको जलन से दर्द से महसूस होते हैं, तो ऐसी कुछ समस्या है तो आप इस सिरप का जरूर सेवन करें। आपको ये समस्या दूर हो जाएगी और आपका दूध अच्छा से उतरने लगेगा, बच्चे को अच्छा से दूध आप पिला सकेंगे। और चलिए अब बात करते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट इसको ले कि न ले। तो यह शुगर फ्री सिरप नहीं है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट इसको न ले, शुगर वाले पेशेंट इसको न ले। और यदि लेना है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क कर लें, उसके बाद ही इस सिरप का सेवन करें। तो ये रही कुछ जानकारियां द्राक्षासो सिरप के बारे में। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।